हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सर्वमंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई वीडियोस के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि 11 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे मात्र देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार श्री हनुमान जी का दिन है और श्री हनुमान जयंती भी मंगलवार को ही है। इस दिन व्रत करके आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने से सर्व सुख और पुत्र की प्राप्ति होती है। मंगलवार के व्रत से जातक के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम है। व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गए, श्री हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार को व्रत करती थी। मंगलवार को व्रत के अंत में हनुमान जी को पहले भोग लगाती थी और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न ही भोग लगा सकी। तब से उसने प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को पहले हनुमान जी को भोग लगाएगी, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे रहने के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देते हुए बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वे उसे बालक देंगे। उसके बाद श्री हनुमान जी उसे बालक देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण जी घर आए तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। पत्नी की बात पर ब्राह्मण जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण जी ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण जी घबरा गए। पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। ब्राह्मण जी हैरान रह गए। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सारी कथा सपने में बताई तो ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और वे फिर मंगलवार का व्रत करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए और व्रत में भोजन एक ही बार करें। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और लाल वस्त्र धारण करें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। पूजन विधि देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मंगलवार व्रत उद्यापन। 21 मंगलवार तक श्रद्धा भाव से व्रत रखने के बाद आप 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद।